तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं केएलएम टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए आपको फिल्मोरा गो और काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन्हें इंस्टॉल कर लीजिए। आज हम ग्लिच इफेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि हमारे गौरव सर कैसे ग्लिच इफेक्ट डालते हैं, और ये पार्ट टू है गुरुजी एडिटिंग की हमारी सीरीज का। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप सिंपली अपने वीडियो को यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए। मैं भी अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रिम करना है तो आप ट्रिम कर सकते हैं, वरना सिंपली आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ कोने में ये ऐड हो गया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ओके ओके कर देना है। अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आपको कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सिंपली थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कॉन्सर्ट वाली थीम ले लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ग्लिच इफेक्ट बिल्कुल तैयार होने ही वाला है। उसके बाद जैसे जो यहाँ पे कॉन्सर्ट थीम लिख कर आ रहा है, उसे हटाने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एडिट टूल में जाना है। उसमें बस जाने के बाद आपको यहाँ टाइटल में जाके इसे नन कर देना है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं हमारी पूरी वीडियो हो चुकी है ग्लिच इफेक्ट के साथ तैयार। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप चला के एक दो बार देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ ओपन करके सेव कर दीजिए प्रोजेक्ट। मैं भी अभी अपना प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट सेव होने देते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट सेव हो जाए तो आप इसको कैमरा रोल में कर दीजिए। कैमरा रोल में करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपना काइन मास्टर को ओपन करना है। दोस्तों लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वैसे तो ये ऐप्स नॉर्मली यूट्यूबर्स के पास होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों ऐप्स को। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाके एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है। शुरू में प्रोजेक्ट लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ये इंटरफेस आ जाएगा, तो उसके बाद आपको इम्पोर्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से शुरू में एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। नहीं तो आप सिंपली अपनी वो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड नहीं लेना, सॉरी, आपको क्या करना है अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर देना है, जो रियल वीडियो विदाउट ग्लिच इफेक्ट। तो आपको क्या करना है उसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देना। उसके बाद आपको लेयर से जाके अपनी उसी वीडियो को इंपोर्ट करना है जो हमने ग्लिच इफेक्ट में बनाई थी। तो आपको पूरा फैला देना है, ये पूरा आपको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वॉइस बिल्कुल कम कर देनी है। उसके बाद देख सकते हैं जब आपकी ये इंपोर्ट हो जाए आपकी वीडियो, तो आप क्या करिए यहाँ पे यहाँ से इसे प्रिम कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं आपका शुरू में ग्लिच इफेक्ट आ चुका है, तो आप इसे अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन भी दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसे ओ इन एनिमेशन दे देता हूँ। उसके बाद ओवरले एनिमेशन आप फ्लिकर दे सकते हैं, कोई भी एनिमेशन का आपको अच्छा लगे। तो ये कई हद तक हमारा बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे सिंपली अपना एक्सपोर्ट कर लेना। देख सकते हैं आप, ये ग्लिच इफेक्ट हमारा आ चुका है। तो दोस्तों टेक्निकल गुरुजी मतलब हमारे गौरव सर ऐसे ही बनाते हैं। तो ये पार्ट टू था हमारी इस सीरीज का गुरुजी एडिटिंग का। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वरना आप सिंपली हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को रेंडर कर दीजिए, मैं अभी रेंडर इसे नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।